پختون دے اسمر دے کوی پی ٹول کوار فخر پا ہر چا بند گل دے منگج سے اولا دیر قدر دل 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 دے मैदान में उतरती है तो जाहिर बात है कि एक ने मुकाबला जीतना होता है और दूसरे ने हारना होता है। तो जो टीम आज जिन्होंने मुकाबला किया वो जीत गई है, मैं उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो रनर अप टीम है उसको भी मैं ये कहूंगा कि अगले मैच के लिए, अगले टूर्नामेंट के लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और मैं मोहतरमा उस्मा साहेब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आई, उनकी इन्विटेशन थी। डॉक्टर साहब मौजूद जी हैं, डॉक्टर हसन, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट आप लोग के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट। और मेरी ये तवक्को होगी कि इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट जूनियर आप लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे वो इससे भी बेहतरीन होगा, इससे भी बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आजादी भी हो रही है और सबने जाना भी है। जो मुतालबात पेश किए गए उसके हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले चूंकि मेरे साथ साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर एबटाबाद में आई टी पार्क एक प्राइवेट जगह पे काम कर रहा था, उसके लिए मैंने ये किया कि यहाँ पे जो फूड गोदाम थे उसको फूड डिपार्टमेंट से मैंने लिए और उस पर फेज वन मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसपे तमाम आई टी पार्क की जो सेटिंग थी वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेकेंड फेज में इसके लिए 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट उसके लिए अप्रूव हो गया है। तो यहाँ पर एबटाबाद में आप सबके लिए, हमारे नौजवानों के लिए आई टी पार्क यहाँ पर बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये जो पूरा बेल्ट है, जो अजारा बेल्ट है,
हरिपुर में अब पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान डिजिटल सिटी वो हरिपुर में हम मनाने जा रहे हैं, उसका भी सब कुछ कंप्लीट हो गया है और डीआईपी की बिल्डिंग में उसको हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो ये पूरा एक बैंड जो हजारा बैंड जिसे आप कह सकते हैं एक्टाबाद हरिपुर और मानसेरा, इसपे हम आईटी के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसपे तकरीबन हमारे 32,000 नौजवानों को जॉब्स मिलेगी इंशाल्लाह। तो वो जॉब्स आपके लिए सुबाई कुमार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अनाउंस हो गई है इंशाल्लाह। दूसरा स्पोर्ट्स के हवाले से चूंकि मुतालबात यहाँ पर पेश किए गए तो मैंने यहाँ पर यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर बुलाया हुआ है और उनको ये मैंने हिदायत अभी की है कि जो मुतालबात यहाँ पर पेश किए गए स्पेशली इस ग्राउंड में जो फ्लड लाइट्स के हवाले से जो मुतालबा पेश किया गया उसके साथ साथ मैंने तो ये भी कहा है कि इस पूरे ग्राउंड को ग्रीन कर दें, बिल्कुल लश ग्रीन ग्राउंड कर दें। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साहब यहाँ पर मौजूद है और तो आपका पीसी वन तैयार यहाँ पर पेश कर दिया। तो जो भी बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से जो मुतालबात यहाँ पर पेश किए गए हैं हमारे स्पीकर साहब चूंकि यहाँ पर हमारे इस इलाके के एमपीए भी हैं अली जदून साहब वो भी यहाँ के एमएलए हैं, बाकी जो हमारे मुंतसिब लोग हैं उसमें साहब मौजूद हैं, तो इनकी मशावरत के साथ इंशाल्लाह महकमा स्पोर्ट्स और कल्चर डिपार्टमेंट से जो भी मुतालबात आप लोग के होंगे मैं पेशावर में इंशाल्लाह एक तमाम जो काम है उनके पीछे मैं खुद जाऊंगा और एहतमाद की सबकी अप्रूवल क्योंकि यहाँ पर वाजवी के कोहाट में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स तो कोहाट के स्पोर्ट्स के हवाले से हम बहुत कामते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए वहाँ पे बहुत सारी चीजें, तो मैं चाहूँगा कि एहतमाद में भी कोहाट की तरफ से यहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाऊँ और आप लोग बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस इवेंट में शिरकत की, तमाम कोहाट के एहतमाद के जो वासी हैं आप सबका शुक्रिया कि आप लोग स्पोर्ट्स में इतने मोहब्बत रखते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से वो मरकजी हुकूमत हो या वो सूबाई हुकूमत हो इंशाल्लाह एहतमाद में वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो भी सेक्टर हो इंशाल्लाह एहतमाद में लोग के लिए भरपूर तरीके से टाउन करेंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सियासत।